बिजनौर पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये शातिर लुटेरे लगभग 2 सप्ताह पूर्व नहटौर में मूंगफली व्यापारी से 5 लाख की लूट को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने इन बदमाशों के पास से 3,28,000 की नकदी, 3 तमंचे सहित 4 कार और 2 बाइकें भी बरामद की हैं। गिरोह में पकड़े गए ये शातिर बदमाश दिल्ली और गाजियाबाद के रहने वाले हैं और आसपास के जिलों में वारदातों को अंजाम देने का काम करते हैं। लेकिन हैरत वाली बात यह है कि पकड़े गए बदमाशों में से सुमित अरोड़ा नाम का एक बदमाश गुड़गांव के एक नामी स्कूल का शिक्षक है। इस शिक्षक लुटेरे का पिता भी इसी स्कूल में टीचर है। खोल के लाते हैं, मैं 2 बार चलाने गया हूँ और गाड़ी चला के तब पकड़ा था चलाते हुए। पूरी गाड़ी चला रहा था। क्या काम करते हैं? मैं दिल्ली में अभी तो काम कर रहा हूँ सर, फील्ड का भी। क्या काम कर? फील्ड का, तो उसका रिकवरी का सर। तुम्हारे फादर का क्या नाम है और वो क्या करते हैं? IP अरोड़ा सर, दिल्ली में टीचर है रियान स्कूल में। तुम भी कहीं टीचिंग करते थे? पहले करता था। कौन से स्कूल में? रियान में। पकड़े गए बदमाशों का सरगना राजू बेहद शातिर किस्म का बदमाश है और राजू पर दिल्ली के वसंत विहार और इंदिरापुरम थाने में संगीन धाराओं में 7 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक राजू तिहाड़ जेल में भी सजा काट चुका है। बीते दिनों इस गैंग ने नहटौर में मूंगफली व्यापारी से 5 लाख रुपए लूटे थे। फिलहाल पुलिस ने इन बदमाशों को हिरासत में लिया है, जबकि एक फरार साथी की तलाश जारी है। January 11 को 2 लूट की घटनाएं नहटौर कोतवाली देहात रोड पर हुई थी, जिसमें एक मूंगफली व्यापारी को लूटा गया था, उससे 5 लाख की लूट की गई थी। और उसके 4 दिन बाद ही दूसरी घटना 2,75,000 की थी, 30,000 रुपये अलग से भी थे, तो वो लूटे गए थे। इसमें हमारे जनपद बिजनौर के SPRA और SPCT इनके नेतृत्व में हमारे सभी क्षेत्राधिकारियों ने और थाना प्रभारियों ने, विशेष रूप से क्राइम ब्रांच की टीम ने इस पर काम किया और उन्होंने जो है इसमें 5 लुटेरे और 2 कार चोरों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 3 तमंचे बरामद किए गए और जो लूटा गया जो है 3,28,000 रुपये नकद, उसको बरामद किया गया है। जो 4 गाड़ियाँ चोरी की बरामद हुई है, वो 4 गाड़ियाँ दिल्ली की हैं और उसमें विभिन्न थानों की वो गाड़ियाँ कनेक्ट हो गई हैं। हम दिल्ली पुलिस से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। तो इन घटनाओं के वर्कआउट अभी तो इनसे पूछताछ जारी है। दिल्ली पुलिस से हम संपर्क बनाए हुए हैं, पड़ोसी जनपद के अधिकारियों से संपर्क बनाए हुए हैं। हम अभी पूछताछ करेंगे। हमें उम्मीद है कि ये और भी घटनाओं में सम्मिलित होंगे। तो उम्मीद ये की जाती है कि इस गैंग के पर्दाफाश होने से जो है अपराध जो इस क्षेत्र में जो कुछ घटनाएं घटित हुई थी, इस प्रकार की घटनाओं पर नियंत्रण होगा। पुलिस दल ने जो सराहनीय कार्य किया उसके लिए मेरे द्वारा 5,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया और 10,000 रुपये के लिए DIG महोदय को संस्तुति की गई, वो भी अतिशीघ्र मिल जाएगा इन लोगों को।